सिवान जिले के गोरियाकोटी प्रखंड के मलाही टोला गांव के आकाश कुमार ने इस बार मैट्रिक की परीक्षा में 450 अंक लाकर अपने गांव का ही नहीं बल्कि अपने प्रखंड का नाम रोशन किया। वहीं आकाश कुमार को 450 अंक प्राप्त होने के बाद इनके परिवार में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। आपको हम बताते हैं कि दूर दराज से आ रहे लोग उनको सम्मानित भी कर रहे हैं। मलाही टोला के समाजसेवी पप्पू कुमार भारती ने छात्र को मिठाई खिलाकर और उसे उपहार देकर सम्मानित किया। वहीं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण आकाश कुमार ने इस बड़ी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने गुरुजन को दिया। क्या नाम होगा? मेरा नाम आकाश कुमार है। आज्ञा मलाही टोला है। मैट्रिक एग्जाम दिए थे जी? कितना नंबर है? मेरा नंबर 450 नंबर है। 450 नंबर है जी। अच्छा ये बताइए, 450 जब नंबर आया था आपका, उस समय आपको कैसा फील हो रहा था? उस समय हम बहुत खुश हुए थे, खुशी के साथ भी थोड़ा दुखी भी होते, क्योंकि हमारा जो सपना बिहार टॉप 10 का था और सर का भी था, जो पूरा नहीं हो पाया था, इसके लिए थोड़ा दुखी भी हुए थे। ये बताइए कि जिस समय एग्जाम होने वाला था, इसके पहले ही कोरोना काल था और लॉकडाउन भी लग गया था, पढ़ाई आपने कैसे की थी? पहले तो लॉकडाउन जब लगा था तो हम लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए थे कि अब इस हालत में हम लोग पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग को सर जो थे, संतोष सर और बबलू सर, वो हम लोग को ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग को पढ़ाते थे। वो हम लोग के पास क्वेश्चन बॉयस ग्रुप और गर्ल्स ग्रुप में क्वेश्चन डाल देते थे और हम लोग उस क्वेश्चन को सिलवेशन कर उनके पास उसी समय सेंड कर देते थे। कहाँ से आपने पढ़ाई की? मैंने पढ़ाई एन इंटरमीडिएट साइंस क्लासेस महामदा, जिसके फाउंडर संतोष सर और को फाउंडर बबलू सर के पास से की है। ये बताइए कि जिस तरह से आपका 450 अंक आया हुआ इस मैट्रिक के एग्जाम में, तो आपको उम्मीद था कि इतना नंबर आ सकता था आपका? जी बिल्कुल उम्मीद था हमारा इतना नंबर आने का, क्योंकि जब हम लोग पेपर देकर आए थे तो हम लोग को कुछ जो बिहार सरकार के द्वारा ऑब्जेक्टिव जो आंसर शीट आता है तो हम लोग मिलाए भी थे, उसमें हम लोग का 2-3 ही ऑब्जेक्टिव गलती था। और हम लोग जिस तरह से लिखते थे पेपर कोचिंग में, जब सर परीक्षा लेते थे तो उस हम लोग अच्छा प्रदर्शन करते थे, जिसके सर भी बोलते थे कि तुम लोग अच्छा करोगे, और हम लोगों ने वहाँ पर भी अच्छा करके दिखाया। आगे क्या कुछ प्लान है आपका, आगे क्या कुछ करेंगे? जी इसके बाद में महामदा से ही सर पढ़ाते हैं, इंटरमीडिएट साइंस क्लासेस से ही हम लोग इंटर की एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे। वहाँ पर सर भी अच्छे अच्छे सर पढ़ाएंगे महामदा में, वहीं से हम लोग इंटरमीडिएट साइंस से लेकर पढ़ेंगे। जिस तरह से मैट्रिक में आपने 450 अंक लाए हुए हैं, इंटर में क्या उम्मीद लगाते हैं, कितना अंक लाने का प्रयास? जिस तरह मेरा मैट्रिक में 450 नंबर आया है, ठीक उसी प्रकार मैं इंटर में भी चाहूँगा कि इससे भी थोड़ा, टॉप 10 का जो मेरा सपना था वह इस बार तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अगले बार इंटर में मेरा जरूर सपना पूरा हो, इसके लिए मैं जमकर और मेहनत 7 से 8 घंटा में पढ़ाई करूँगा। और आने वाले समय में अपने छात्राओं से क्या कुछ अपील करेंगे? बस मैं यही अपने आने वाले 10th के स्टूडेंट को, छात्र छात्राओं को यही सूचित करता हूं कि वह मन लगाकर कहीं भी पढ़े, अस्थायी रूप से पढ़ें और रेगुलर कोचिंग ज्वाइनिंग करें और घर पर भी लगभग 6 से 8 घंटे की पढ़ाई करें, और इस तरह वह अपने आने वाले आगामी परीक्षा में वह हमसे भी ज़्यादा नंबर लाएँ। एक सवाल और पूछेंगे आपसे, बिहार जो है वह नकल से काफ़ी प्रचलित है, तो इस बार क्या जब एग्जाम देने गए थे उसमें नकल कॉल किए थे कि नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने नकल जी बिल्कुल नकल नहीं किए थे। अगर नकल किए होते तो हमारा नंबर इतना नहीं आता, बहुत ही कम नंबर आता। नकल करते भी तो हम लोग उसी समय थोड़ा ही सही लिख पाते, लेकिन हमने बहुत सारी अपनी बातों को अपने उत्तर पुस्तिका कॉपी में लिखा है। इसके पहले सर जो थे हम लोगों के, दो महीने पहले से ही वो हम लोग को टेस्ट लेना शुरू कर दिए थे, जिससे हम लोग उस टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे।